फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मटन दम बिरयानी। उसके लिए पहले थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये जीरा है, ये 8-10 छोटी इलायची है, नटमेग का एक ही टुकड़ा है, 8-10 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं, 2 इंच के 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, और ये जावित्री का फूल है। इन सबको मैं सूखा ग्राइंड करके रख लूँगी और फिर उसे जब गोश्त की तह लगाऊंगी तब उसमें आपको दिखाऊंगी। और ये 4-5 हरी मिर्चें हैं, इनको अभी फाइन पेस्ट कर लूँगी। बिरयानी में हरी मिर्चों की अच्छी खुशबू आती है। और ये कच्चा पपीता है, ये छिकल समेत मैं इतना सा पीस लूँगी। इसको भी गोश्त में मिलाया जाएगा। इसका मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोश्त हम गलाएंगे सिर्फ पपीते से ही गलाएंगे, अलग से नहीं पकाएंगे, इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। छिलके समेत इसको पीस लीजिएगा। एक छोटा टुकड़ा है, देखिए 2 स्पून के करीब ये पपीते का पेस्ट बनेगा। और अगर आपको पपीता कच्चा भी मिल रहा है तो आप मीट टेंडराइजर भी डाल सकती हैं जिससे कि गोश्त गल जाए, लेकिन इसका डालना बहुत ज़रूरी है गोश्त गलाने के लिए। ये बहुत ईजी और सिंपल रेसिपी है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और बहुत आसान बनती है और बहुत मज़े की बनती है। मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने गोश्त ले लिया है, 1/2 किलो गोश्त है ये मटन का। अब मैं इसमें सब मसाले लगा के इसको मैरिनेट करूंगी। इसके लिए जो सूखा मसाला खुशबू का पीसा था मैंने, वो मैंने ये 1/2 चम्मच ले लिया है। इसमें डाल दूंगी इसके अंदर, और जो मैंने पपीता पीसा था ये टेंडराइजर ये मिला दूंगी। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप कोई भी मीट टेंडराइजर लेके मिला सकते हैं, लेकिन ये मिलाना बहुत ज़रूरी है। इसी से मटन गलेगा, नहीं तो मटन आपका गलेगा नहीं। और जो मैंने 4 मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी मिला दूंगी, और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगी, और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च डालूंगी क्योंकि मैंने पिसी मिर्च डाल दी है, और 1/4 मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर मिलाऊंगी, और ये जो प्याज तल के निकाली थी मैंने, ब्राउन कर ली थी, वो प्याज इसमें शामिल कर दूंगी। और 1/2 कटोरी के करीब ये रिफाइंड है जिसमें मैंने तेल प्याज गरम करी थी, ये वो तेल भी इसमें डाल दूंगी, और 1 कटोरी इसमें दही मिला दूंगी। और 1/2 कप ये दूध है, इसमें अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप इसमें ज़ाफ़रान मिला सकती हैं, और नहीं तो थोड़ा केवड़ा मिला सकती हैं। मेरे पास ज़ाफ़रान एक वक्त नहीं था तो मैंने इसके अंदर केवड़ा मिला दिया, इसको भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी। और इसको कम से कम 4-5 घंटे मैरिनेशन के लिए रखूँ। इसको हाथ से ही मिलाइएगा, चाहे दस्ताने पहन लीजिएगा या जैसे भी करिएगा, को हाथ से मिलाएगा ताकि मसाला सब में मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसको फ्रिज में रख दीजिए 4-5 घंटे के लिए। मुझे जैसे शाम को डिनर में बिरयानी तैयार करनी है तो मैं तकरीबन 12 बजे रख रही हूँ इसको मैरिनेट करके। अब ये 4-5 घंटे फ्रिज में रखा रहेगा और गोश्त अपने आप इसके अंदर टेंडर होता रहेगा। अब जब मैं चावल बघारूँगी तब आपको दिखाऊँगी। ये मैंने देखिए 1/2 किलो लॉन्ग ग्रेन राइस भिगो लिए, बासमती राइस, कम से कम 1/2 घंटा पहले। आप अगर नॉर्मल राइस बना रही हैं तो 1/2 घंटा पहले करें, और अगर आप सेलर राइस ले रही हैं तो 1 से 1.5 घंटा पहले इसको भिगो दीजिए। और अब मैंने पानी भी उबाल लिया है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी उबलने के लिए रखा हुआ है। इसमें मैंने ये देखिए गर्म मसाले हैं ये सब, ये डाल दिए हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है पानी में खोलने के लिए, और तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी नमक। पानी खोलने के जब तक खोल आएगा तब तक जो है वो अच्छे से खोल जाएगा।
ये देखिए मैंने सारा पानी निचोड़ के और ये चावल इसमें डाल दिए हैं। बस घड़ी देख के दो मिनट मैं कुक करूँगी, चाहे खोल आए या ना आए, आधे चावल मैं इसमें से निकाल लूँगी। बस घड़ी देख के दो मिनट, चावल पकते हुए मेरे दो मिनट हो गए हैं। अब मैं सब पानी निचोड़ के और जो है मैं इसकी तह लगा दूँगी। आधे चावलों की तह अभी लगाऊंगी और आधे की दो मिनट बाद लगाऊंगी। पानी सब निचोड़ लेना है, पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए इसके अंदर। धनिया छोड़ दूंगी और ये जो मैंने खुशबू, ये जो खुशबू का मसाला पीसा था वो इसकी भी तह लगा दूंगी। और जो तेल मैंने आधा बचाया था वो भी इसमें आधी कटोरी डाल दूंगी। नींबू का रस आधा डालूंगी और ये जो तली प्याज रखी थी इसको भी इसी में डाल दूंगी। और थोड़ा सा इसके अंदर आधा कप दूध डालूंगी, मैंने केवड़ा मिला दिया है, ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे मिलाए, आपका दिल चाहे ना मिलाए। और ये थोड़ा सा मैं इसमें ये वाला कलर फूड डाल दूंगी। और अब जितना भी बचा हुआ पानी है, चावल है, वो अब मैं इसके अंदर डालूंगी। बचे हुए चावल है वो सब मैंने इसमें डाल दिए। फिर ऊपर से इसमें हरा धनिया की लेयर लगा दूंगी, ऐसे ही इसको भी कर दूंगी। खुशबू का मसाला डाल दूंगी फिर से, बची हुई तली प्याज जितनी है वो सब इसमें लगा दूंगी। और ये जो बचा हुआ तेल था मेरे पास वो भी डाल दूंगी, ये नींबू भी डाल दूंगी और आधा कप जो दूध मेरे पास बचा था वो भी डाल दूंगी। और थोड़ा सा ये जो चावलों का पानी बचा था वो भी आधा कप के करीब इसमें डाल देंगे और फिर इसको पूरे को बंद कर देंगे। देखिए ये ऐसे इसको बंद कर देंगे। बहुत से लोग हरी मिर्चें काट के डालते हैं पर मैं साबुत डाल देती हूँ, कोई खाता है कोई नहीं खाता है। अब इस पतीली को खोलना नहीं है, अगर आप आटे का कड़ा लगाना चाहती हैं तो आटे का कड़ा लगा लें और मैं तो एल्यूमिनियम फॉइल का लगाऊंगी और इसको बिल्कुल नहीं खोलूंगी। 5 मिनट तेज आंच से पका के फिर मैं इसको तवा लगाती हूँ। यानी मैं 5 मिनट इसको ऐसे ही पकाऊंगी और अब इसको बिल्कुल नहीं खोलूंगी मैं।
ऐसे मैंने इसको कड़ा लगा दिया है। 5 मिनट पका के फिर मैं इसके नीचे तवा लगाऊंगी। ये देखिए मेरे चावलों को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे तेज गैस पे। अब मैं तेज गैस पे मैंने तवा रख दिया है और इसके ऊपर मैं पतीली रख दूंगी। 5 मिनट इसको तेज गैस पे रखूंगी और उसके बाद जो है मैं 45 मिनट इसको हल्की गैस पे पकने दूंगी। और खोल के बिल्कुल भी मत देखिएगा, सब भाप में ही चावल पकेंगे तो इसको खोल के देखिएगा नहीं। देखिए 45 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको खोल के देखती हूँ। मैंने कड़ा लगाया हुआ था एल्यूमिनियम फॉइल का, तो उठा के देखते हैं। अच्छी मेरी बिरयानी दम हो गई। देखिए एक एक चावल का दाना बिल्कुल खिला खिला है। देखिए आप देख सकते हैं एक एक दाना चावल का खिला हुआ है और बहुत खूबसूरती से ये देखिए ये पक के तैयार हो गई मेरी बिरयानी। और गोश्त भी बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो गया है। देखिए आप इतना ना चलाइएगा, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए चला रही हूँ, आप इसको मत इतना ज़्यादा चलाइएगा नहीं तो ये टूट जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी मेरी बिरयानी बन के आ गई है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ये देखिए मेरा, ये देखिए गोश्त भी बिल्कुल बिल्कुल देखिए टेंडर हो गया। देखिए गोश्त भी बिल्कुल टेंडर हो गया। बस अब इसे स्टेज पे मैंने गैस बंद कर दिया और तवे अभी रखा रहने दिया है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हैदराबादी बिरयानी बनके तैयार है और इसकी बोटी बिल्कुल गली हुई है जबकि कच्चे गोश्त से बनाई गई है। और आप इसको ट्राई करिएगा और अगर मेरा रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी रेसिपी को लाइक करिए। ओके बाय।